चले सर, तो आ जाए सर, स्टडी टेक्स्ट में जाएंगे और एक क्विज भी ये लोग बच्चे देंगे। चले सर, जिंदगी में है मजा या मिल रही है गुनाहों की? अब तक जो हमने आई एफ आर एस 8 पढ़ा है उसको क्विकली करेंगे रिवाइज और फिर बढ़ जाएंगे। अब तक हमने आई एफ आर एस 8 में भाई क्या पढ़ा था जल्दी बताओ? हमने पढ़ा था कि सर स्कोप किसके ऊपर अप्लाई होगा? लिस्टेड कंपनीज और कंपनीज अबाउट टू बी लिस्ट। फिर हमने कहा कि सर ये जो है बेसिकली उस पर भी होगा, सेपरेट पे भी होगा और कंसोलिडेटेड पर भी होगा। अगर कंसोलिडेटेड और सेपरेट दोनों हैं तो क्या होगा? सिर्फ कंसोलिडेटेड में इसके डिस्क्लोजर जाएंगे। हमने कहा भैया तुम्हारे आने का मकसद क्या था, तुम चाहते क्या थे आई एफ आर एस 8? तो आई एफ आर एस 8 ने हमें चिल्ला चिल्ला के बताया कि हम क्या चाहते हैं कि हमें ब्रेकअप मिल जाए चीजों का शेयर होल्डर को, क्योंकि शेयर होल्डर बेसिकली जो है उसके साथ अभी हो रही है ज्यादती, उसको एसेट्स पूरी कंपनी के साथ पता चल रहे हैं, कंपनी डिफरेंट बिजनेसेस करती है, डिफरेंट जो है डाइवर्जेंस करती है, उसको उनके बारे में पता नहीं चलता। तो हमने कहा अच्छा भाई तो अब क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि हम चाहते हैं कि हमें ब्रेकअप पता चल जाए। अब जब हमें ब्रेकअप पता चलेगा तो हमने कहा उसके लिए उसने हमें कुछ क्राइटेरिया दिया। उसने कहा सबसे पहला काम क्या करना है, आइडेंटिफाई करो ऑपरेटिंग सेगमेंट। ऑपरेटिंग सेगमेंट में कितनी बातें होती हैं? तीन बातें। पहली बात एबिलिटी टू अर्न एंड इनकर एक्सपेंडिचर, कमाओ भी और खर्च भी कर सकने की सलाहियत हो। दूसरा हमने कहा कि उसकी परफॉर्मेंस सीओडीएम नामी शख्स जो कि बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो रिव्यू करता हो। तीसरा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल उसके कंपनी बनाती हो, अलग से हिसाब किताब रखती हो। जिसके अंदर ये तीन बातें हैं उसको हम क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग सेगमेंट। फिर सर हम मजीद आगे बढ़े, मजीद आगे बढ़ते हुए शदीद आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था? एग्रीगेशन। हमने कहा यूनिलीवर के एग्जांपल ही बोला, यूनिलीवर हमारे 33 ब्रांड हैं, क्या सबको डिस्क्लोज करें? स्टैंडर्ड ने कहा रुको जरा उनको एग्रीगेट करो। ये एग्रीगेशन अब तक आई के भैया चेक नहीं किए हैं, तो इसका मतलब आप कर सकते हैं। तो हमने कहा कि भैया एग्रीगेशन क्राइटेरिया का मतलब क्या है? एग्रीगेट कर देना। एग्रीगेट का मतलब है कि मिला दो अगर। हमने कहा कब मिलाएं? जब मतलब पांच चीजों में सेम हो। पहली चीज नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, टाइप और क्लास ऑफ कंज्यूमर की नेचर सेम हो। तीसरा प्रोडक्शन प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। पांचवा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। मैंने कहा कि एग्जांपल के तौर पे यूनिलीवर पर्सनल केयर तमाम इंसान के जिस्म पे होने वाले इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट को यहाँ पर ले आता है, चाहे वो क्रीम हो, चाहे साबुन हो, चाहे शैम्पू हो। होम केयर सर्फ एक्सल डोमिक्स जितने भी उसके इस किस्म के प्रोडक्ट जो घर में इस्तेमाल होते हैं वो होम केयर। बाकी उसका तीसरा सेगमेंट कौन सा बनता है? फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट, जिसके अंदर नूडल्स, कनॉल्ड, अफान, वॉल्स और उसका जो लिप्टन और दूसरा लिप्टन तो कह रहा है उसने बेच दिया सुप्रीम। ये पांचों ब्रांड्स की जो खाने पीने की चीजें सब इसमें आ जाती हैं। तो 33 का यूनिलीवर किसमें तोड़ देता है? तीन में। फिर मजीद आगे बढ़े और हमने कहा कि भैया ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई हो गया, एग्रीगेट कर लिया, अब डिस्क्लोज करें स्टैंडर्ड का? नहीं, क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड होगा उसको रिपोर्ट करो। हमने कहा अच्छा वो क्या है? उसने कहा उस सेगमेंट के रेवेन्यू टोटल कंपनी के रेवेन्यू का 10% या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, और उस सेगमेंट के एसेट्स टोटल कंपनी के एसेट्स का 10% या उससे ज्यादा हो। तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस, हमने कहा कि जो है सम ऑफ प्रॉफिट या सम ऑफ लॉसेस में से जो भी हायर हो वो टोटल सेगमेंट का इंडिविजुअल सेगमेंट के प्रॉफिट एंड लॉस का 10% से ज्यादा या उस तक होना चाहिए। फिर हमने कहा अच्छा रिपोर्टेबल भी बना लिया तीनों में से क्राइटेरिया, अब क्या करें? तो स्टैंडर्ड ने क्या कहा? स्टैंडर्ड ने कहा कि 75% रूल टेस्ट करो। उसने कहा कि भैया चेक करो जिसको रिपोर्टेबल कह रहे हो क्या वो ट्विटर कंपनी की सेल्स का उसकी सेल्स 75% या उससे ज्यादा है। अगर है तो गुड, नहीं है तो फिर तुम्हें देनी पड़ेगी वाइल्ड कार्ड एंट्री।
किसी एक सेगमेंट को जो कि रिपोर्टेबल नहीं था उसको पकड़ के क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास एक सवाल था जिसके अंदर हमने फार्मा को क्या कर दिया था सर, रिपोर्टेबल बनाया था। उसके बाद हम आ गए थे डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर कितनी तरह के होते हैं, दो। एक होता है जिसमें आप रिपोर्टेबल सेगमेंट की सारी डिटेल्स उठा करके दे रहे होते हो कि उनकी सेल्स इंटरनल कितनी थी, एक्सटर्नल कितनी थी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एसेट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लाइबिलिटीज। दूसरे के अंदर हम क्या करते हैं, रिकंसिलिएशन। एक कॉलम आ जाता है रिकंसिलिएशन ऑफ इंटर सेगमेंट, और हमने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसका सेगमेंट का रिकंसिलिएशन, उसके अंदर दो कॉलम इजाफे आते हैं, कहते हैं अदर एडजस्टमेंट का, और एक आता है एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट ट्रांजेक्शन। दो सवाल हमने कर लिए थे इसके। और तीसरा जो सवाल था उसमें हमने कहा डिस्क्लोजर बना हुआ था उसका हमें क्या निकालनी थी, गलतियां। ऐसा ही है, पक्की बात है। बढ़ जाएं आगे, आज की क्लास इस टॉपिक की इंशाल्लाह है आखिरी क्लास। ऑनलाइन वाले बच्चों अगर आप साथ हैं तो कह दें सीसी। सर आप लोग आ जाएंगे हैंड आउट के पेज नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है, क्विज लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्विज है, लास्ट डे रिवीजन है। ये सवाल स्टैंडर्ड का नहीं है, ये सवाल हमने खुद बनाया है। आ जाएं पढ़ते हैं। हसन खानानी लिमिटेड, हैंडआउट सबके पास है, किसी के पास वही था हैंडआउट ना हो। हसन खानानी लिमिटेड अ लार्ज बिजनेस ग्रुप ओन्स सेवरल बिजनेसेस, फॉलोइंग आर रेलिवेंट डिटेल्स फॉर द साल एंडेड 31 दिसंबर 2019 इन मिलियन। हैंडआउट नहीं है, हैंडआउट किसके पास नहीं है, क्लासे ली नहीं है पहले, क्लास पहले क्लास है, अच्छा ऑल है मिले, ये वाले हैं सर, जी जी यही वाले हैं और पढ़े हुए हैं, देख सही है सही है सही है, दो चाहिए, दो चाहिए, चलिए बाय, बेचेंगे बेचेंगे। हाँ पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न मिल जाए तेरे को इससे। ये हैंडआउट जिनके पास नहीं है, चले सर सवाल पढ़ना है। हसन खानानी लिमिटेड अ लार्ज बिजनेस ग्रुप ओन्ड सेवरल बिजनेसेस फॉलोइंग आर रेलेवेंट डिटेल्स फॉर द साल एंडेड 31 दिसंबर 2019 इन मिलियन। चले सर क्या कह रहा है, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एसेट्स, लाइबिलिटीज, पर्सनल केयर में सो पा रहे लक्स, बक्स और कक। पर्सनल केयर में शैंपू आ रहे कौन कौन से, सनसिल्क, मून सिल्क और फन सिल्क। फिर हमने कहा ऑटोमोबाइल में कौन से प्रोडक्ट्स आ रहे, इंजन और शीट मेटल। फिर आ रहा है एच के फूड्स, स्क्रैप सेल्स आ रही हैं। टोटल का कॉलम आ रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन, लक्स यूजेस एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल देन अदर टू सोप्स एंड बक्स प्रोडक्शन प्रोसेस इज शॉर्ट एज कंपेयर्ड टू लक्स एंड कक। सनसिल्क इज फॉर वुमेन, मून सिल्क इज फॉर मैन एंड फन सिल्क इज फॉर किड्स। इंजन्स आर सोल्ड टू सुजुकी, होंडा एंड इंडस, वेयर एज स्मॉल शीट मेटल पार्ट्स आर सोल्ड टू ओपन मार्केट। फूड इज न्यू बिजनेस एंड इट्स फिगर्स आर ओनली फॉर लॉट ऑफ ओनली फोर मंथ, सिर्फ चार महीने की फिगर्स हैं, अभी तो खोला है भाई। स्क्रैप सेल्स इज ऑफ ऑल बिजनेसेस कंबाइंड बट सोल्ड एज स्क्रैप। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस
assets and liabilities from different departments amounts to 50 million, 70, 700 and 900 million, which are not allocated to any सेगमेंट. अब आपने मुझे बताना है कि सर डिस्क्लोजर तो बनाना है पहले. ये सवाल आपका क्विज है, इन क्विज हम थोड़ा सा साथ करेंगे. मैं आपको बताएं एग्रीगेट करोगे नहीं करोगे, किस किस को करोगे? टोटल कितने सेगमेंट निकल के आना है मेरे पास यहाँ पे? कितने लोग कह रहे हैं? पांच. कितने लोग कह रहे हैं? चार. कितने लोग कह रहे हैं? तीन. कितने लोग कह रहे हैं? छह. छह. कितने लोग कह रहे हैं? पर्सनल केयर को. चले जी अब आते हैं, सही जवाब तो मिलेगा. पांच चार क्या है? दोनों में से कोई एक जवाब सही है. पर्सनल केयर कितने लोग कह रहे हैं? अलग सेगमेंट. सोप अलग है, शैम्पू अलग है. कोई है जो कह रहा है? ऑनलाइन वाले बच्चों तुम लोग बताओ, सोप और शैम्पू अलग है? अच्छा, सोप में कहीं ये तो नहीं है लक्स और बक्श के बारे में जो ये कह रहा है कि उसका मटीरियल अलग है और जो है उसका प्रोडक्शन प्रोसेस शॉर्ट है, तो क्या ये अलग अलग नहीं करेंगे हम इनको? सर नेचर का वर्ड मैंने पहले बताया था, बड़ा ब्रॉड वर्ड है भाई. अगर एक साबुन एक घंटे में बन रहा है, एक साबुन आधे घंटे में, लेकिन प्रोसेस तो सेम है. एक हमने कहा अमीरों के लिए शैम बना रहे, सही है. लक्स हमने कहा कि अमीरों के लिए, या हम कहेंगे खवातीन के लिए शैम वो बनाए साबुन. और बक्श या कक हमने बना दिए मर्दों के लिए, तो वो सस्ता रखा है हमने. तो क्या है इसमें? सही है सर. तो हमने कहा कि सर साबुन साढ़े एक और इसी तरीके से शैम्पू भी उसी का हिस्सा. तो पर्सनल केयर पूरा एक क्या है आपका? तो याद रखो प्रोडक्शन प्रोसेस की ड्यूरेशन इंपैक्ट नहीं करेगी, रॉ मटेरियल महंगा सस्ता ये इंपैक्ट करेगा. तो ये पूरा एक है. ऑटोमोबाइल में आते हैं, मुझे बताएं क्या ऑटोमोबाइल को एक कंसिडर करें अलग अलग? कितने लोग कह रहे हैं ऑटोमोबाइल एक है? ऑटोमोबाइल इंजन और शीट मेटल कितने लोग कह रहे हैं एक है? एक ही सेगमेंट होगा ऑटोमोबाइल का, अलग अलग नहीं होगा. एक ही होगा. और कितने लोग कह रहे हैं अलग अलग है? बाकी लोग क्या इस्तिखारा करेंगे, सोचेंगे? ऑन क्या कहते हैं? एक है अलग अलग. ऑन कह रहा है अलग अलग. ऑनलाइन वाले तुम लोग क्या कहते हो? एक अलग अलग. सर पांच क्राइटेरिया थे ना एग्रीगेशन के, वो तुम्हारे दिमाग में हो. नेचर तो हमने कहा इंजन और नेचर तो सेम है, गाड़ी में ही लगते हैं. प्रोडक्शन प्रोसेस भी सेम. टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर, एक हम बेच रहे हैं तीन कंपनीज को, कंपनीज को, और एक हम बेच रहे हैं दुकान. ओपन मार्केट का मतलब क्या है? दुकान भी अकबर मार्केट ये सदर वदर इधर उधर बिक रहे हैं, सही है सर. तो मुझे बताएं क्या ये क्लास ऑफ कस्टमर सेम है या अलग हो गई? अलग हो गई सर. एक कॉरपोरेट को जा रहा है और एक आम ओपन मार्केट में. बशीर की आप कंपनी पहुंच गया, बोला मुझे दे दो ये पार्ट, बोला दे देंगे. तो हमने कहा सर ये टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर, कॉरपोरेट अलग और वो ओपन मार्केट अलग, इस बेस पे दोनों क्या हो जाएंगे? हमने कहा इंजन अलग है, स्मॉल शीट मेटल पार्ट्स, क्योंकि इनकी टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर क्या हो गई? अब सुनना मेरी बात. नहीं वो तो है कि प्रोडक्ट इंसानों के लिए यूज हो रहा है, सही है. अगर प्रोडक्ट इंसानों के लिए यूज हो रहा है तो हमने कहा वो तो सर बिल्कुल सेम एक ही है, सही है, अगर प्रोडक्ट इंसानों के लिए यूज हो रहा है. लेकिन सर ये तो हमने कहा ना कि एक कॉर्पोरेट है, एक कॉर्पोरेट है कस्टमर. देखें एक होता है कि फन सिल्क मून सिल्क सब कुछ जो है ना इंसान ही खरीद रहे हैं, एक होता है कॉर्पोरेट खरीद रहा है, वो अपनी गाड़ी में लगाएगा किस में लगाएगा, और एक बंदा शीट मेटल पार्ट लग रहा है वो अपनी चली हुई एक नई गाड़ी में लगाएगा एक पुरानी गाड़ी में लगाएगा. और कस्टमर ही बिल्कुल बेस चेंज है, एक दुकानों पर मिल रहा है और एक आप बड़ी कंपनी को बेच रहे हो, आप दुकानों पर नहीं बेच रहे. तो एक का कस्टमर वॉक इन है और एक का कस्टमर कॉर्पोरेट है. एक बी टू बी है और एक बी टू सी, एक बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस टू कस्टमर है. इसलिए हमने कहा सर इस बेसिस पर दोनों क्या हो जाएंगे?
डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो भी कहीं ना कहीं अलग हो जाएगा भाई, एक गाड़ी में लगा कर दे रहा है और एक बशीर गाड़ी में नहीं, बशीर कह रहा है हाँ भाई तुम गए बशीर के पास, बशीर दुकान पे बेच रहा है दरवाज़ा शीट मेटल पार्ट दरवाजे का हैंडल, उसके पास तुम गए तुमने कह दिया भाई अपना हैंडल दे दो ये, तो गाड़ी में खुद लगाओ, एक गाड़ी में लगा कर तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी क्या हो रहा है चेंज। सर एच के फूड्स खाली 4 महीने गए तो क्या ये सेगमेंट बनेगा? हाँ भाई एच के फूड्स क्या 4 महीने की खाली उसके रिजल्ट हैं? सर देखें अगर कोई चीज़ में बारे में कुछ नहीं इसका मतलब उसकी इजाज़त है, सही है सर, तो हमने कहा बिल्कुल बनेगा। अब आते हैं इसके दूसरे टेक्निकल पॉइंट पे, स्क्रैप स्क्रैप सेल्स। मेरा एक सवाल है क्या स्क्रैप सेल्स अलग से ऑपरेटिंग सेगमेंट है? है अलग से ऑपरेटिंग सेगमेंट है? ऑपरेटिंग सेगमेंट की 3 बातें थी, पहली बात इनकम एंड दूसरा रिव्यूड बाई, तीसरा मेंटेन हो रही है फैट, एक बाई प्रोडक्ट अलग था, ये स्क्रैप की बात कर रहे हैं। स्क्रैप के एक्सपेंसेस दिए हुए नहीं दिए हुए, 5 रुपए किस चीज के हैं? पकौड़े के। हमने कहा एक्सपेंसेस तो दिए हुए ना भाई, अगर उसकी रेवेन्यू और उसके एक्सपेंसेस, ये थोड़ी बोला कि एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही हो भाई, कंपनी अलग से उसके लिए इश्तिहार करती है, उसके लिए अलग से टेंडर निकालती है, उसके लिए अलग से स्क्रैप को किसी पर्टिकुलर फॉर्म में लाद के बेचती है, वेयर हाउसिंग है, तो हमने कहा उसके अलग से एक्सपेंसेस मेंटेन तो कर रही है ना कि स्क्रैप पे इतना खर्चा हुआ है, तो अगर एक्सपेंसेस मेंटेन कर रही है तो इसका मतलब है, तो इसका मतलब है स्क्रैप भी अलग से ऑपरेटिंग सेगमेंट है। तीनों कर रही है, रेवेन्यू है कुछ नहीं बताया, तो हमने कहा सीओ नेम अलग से देखता है, कुछ नहीं बताया खामोशी, तो तीसरा फिर क्या है? अब सर यहां पर इस सवाल का लिखे लर्निंग आउटकम, लर्निंग आउटकम लिख लेंगे इस सवाल का, नहीं एक तो लिखा दूसरा लिखवा रहा हूं। एन ऑपरेटिंग सेगमेंट मे नॉट हैव कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज एक्सपेंस, एन ऑपरेटिंग सेगमेंट मे नॉट हैव कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज एक्सपेंस, बट इट मे हैव एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बट इट मे हैव एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एज एक्सपेंस, एज एक्सपेंस, एज एक्सपेंस। ठीक है सर, तो हमने कहा जरूरी नहीं है कि उसके पास वो हो, लेकिन एज वो आपके पास बाकी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि सर ऑपरेटिंग सेगमेंट एक्सपेंस हो जाएगा। तो मेरा बच्चा अब एग्रीगेशन क्राइटेरिया अब तक आई कि अपने टेस्ट नहीं किया आप कर सकते हैं, उसके केस में अब तुम क्या करोगे? जब थ्रेशोल्ड अप्लाई करोगे तो पर्सनल केयर के ऊपर 6 जो फिगर्स हैं इनको ऐड करके 1 थ्रेशोल्ड अप्लाई करोगे, शुरू हो जाए। सवाल को करने के लिए आपके पास 15 मिनट है और डिस्क्लोजर भी दोनों बनाने। यस सर, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आसान है, आप टेंशन ना लें। सर इजी सा सवाल था, इसमें बस एक शरारत थी ऑनलाइन वाले बच्चों, और वो क्या थी सर? एग्रीगेशन क्राइटेरिया की हमने कहा शरारत थी, और वो शरारत हमने देखा सबसे पहला काम थ्रेशोल्ड। अच्छा एक और चीज बड़े इंपॉर्टेंट सर, ये जब भी वो आपसे डिस्क्लोजर मांगेगा ये चीजें क्या हो जाएंगी? वर्किंग। अब यहां पर आप इन चीजों को क्या करेंगे? शॉर्ट फॉर्म यूज करना शुरू कर सकते हैं। मैंने देखे पीसी लिखा है पर्सनल केयर रेवेन्यू एसेट्स रिपोर्टेबल ऑन द बेसिस भी
बताने की जरूरत नहीं है हर एक, यस यस नो नो यस, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। याद रखें पेपर में एक एक मिनट क्या है, इम्पॉर्टेंट। सर अगर एक मिनट भी मेरा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाया होता है तो वो मेरे मार्क्स छूट सकते हैं। आई के अभी भी इस दफ़ा भी आई के यही फीडबैक है कि इन्होंने पेपर छोड़े हैं, सवालात छोड़े हैं। अभी एक पिछले अटैम्प्ट का FAR 1 का, मतलब तुम्हारे नहीं इससे पहले वाले अटैम्प्ट का FAR 1 के एग्जामिनर कमेंट्स मैंने पढ़ा क्लास में, उसमें वो यही कह रहा है कि बच्चा बेसिक और आसान मार्क्स भी सवाल के नहीं उठा सकता क्योंकि वो सवाल की तरफ पहुंचता ही नहीं है। लेकिन सर हमें पहुंचना है, तो सर ये बेसिकली हमने इसका पहला डिस्क्लोजर बनाया, दूसरे डिस्क्लोजर के लिए मैं ये मिटा रहा हूँ। और इसमें एक चीज़ है जो मुझे उम्मीद है सब ने नहीं की होगी, अगर आप डिस्क्लोजर्स पढ़ेंगे तो उसने कहा है कि अगर आप एग्रीगेट कर रहे हैं तो एग्रीगेशन की बेसिस बताएं, वो एक डिस्क्लोजर है। चले सर ये मिटा रहा हूँ, ये उम्मीद करता हूँ सबने कॉपी कर लिया होगा। ये था नोट नंबर 8, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, और 8.1 किस नाम से आता है, रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन सेगमेंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चले सर आगे आते, ये कह रहा है यहां पर हम आते हैं, हम कहते हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट, नॉन रिपोर्टेबल एलिमिनेशन ऑफ अदर एडजस्टमेंट। और अगर आपने वो भी कॉपी कर लिया हो तो मुश्किल। चले सर हम यहाँ पे जाते हैं, रेवेन्यू 7050, बाकी दो कौन कौन से बचे थे, HK फूड्स और शीट मेटल ना, उनका रेवेन्यू कितना है 600। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 410 और 20। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना, 2525 और 180। एसेट्स 11700 800। लाइबिलिटीज 4300 और 450। एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट, सर क्या ये कॉलम शो करना जरूरी है, जी बेटा शो कर दें तो अच्छा है। और अदर एडजस्टमेंट्स में क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि भैया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का क्या सीन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐसे देन लाइबिलिटीज फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अमाउंट्स टू 5700 एंड हमने कहा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं। सर एक्सपेंस होंगे तो क्या वो हमारा प्रॉफिट भी कम करेंगे, यस सर। एसेट्स कितने हैं, 700 900 900। और ये हमारा कौन सा कॉलम आ गया, 13200 5 6 5 जो 12500 लिखेंगे और फिर एक नंबर कट जाएगा, है ना।
ओहो 700 यहाँ पर है, 600 नीचे आएगा, 65 है ना सही। ये कितना था? 900 कितना हो गया? 5650। चले सर, हमने कहा बेसिकली अभी इसमें एक चीज और बाकी है, वो क्या है? हमने कहा था अगर एग्रीगेशन क्राइटेरिया है, पिछली क्लास में याद है डिस्क्लोजर में पढ़ा है कि अगर एग्रीगेशन क्राइटेरिया है तो आपको बताना है कि एग्रीगेट किस बेसिस पर किया है। सही है, तुम दोनों जो है ना सोते हो डिस्क्लोजर में समझ नहीं। सर अब आए सर, 8.2 आप सब लिखेंगे अपने पास, 8.2। ऑनलाइन वाले बच्चों कैसे हो? बड़ा लक्स, हमने एग्रीगेट कर लिया एग्रीगेशन क्राइटेरिया पर्सनल केयर के अंदर, सारे के सारे हमने ऐड कर दिए तलहा। चले सर एग्रीगेशन क्राइटेरिया लिखेंगे, पर्सनल केयर ब्रांड्स शेयर सिमिलर इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स, पर्सनल केयर ब्रांड्स शेयर सिमिलर इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स, हैंस दे हैव बीन aggregated. Hence they have been aggregated for computation of reportable segment. अब सर इस स्टैंडर्ड के बारे में दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आईकेप खेल भी सकता है आपके साथ। सर मुझे बताएं, आईगढ़ आपने ये थ्रेशोल्ड लगाया, अप्लाई किया और 9.98% सपोज करें एचके फूड, जिस सवाल में तो नहीं आया लेकिन एचके फूड 9.98% आ जाता, तो क्या आप इसको 10% मार के रिपोर्टेबल बनाते? 9.98 आप कैलकुलेट करते वो कितना आता? 9. आई के अपने आज तक नहीं खेला, ये दरिंदा खेल सकता है, तो 10% करते आप इसको? कितने लोग कह रहे हैं कर देते हैं, कितने लोग कह रहे हैं नहीं करते और हम 9.98 ही रखे बोलते रिपोर्टेबल नहीं है? सर नहीं करते, याद रखें आइए फारिस, तो लड़ क्यों रहा है उसको, डर क्यों रहा है? फारिस 8 के हिसाब से 9.98 इज नॉट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10, पूरा 10 चाहिए उसको। अब आए कुछ कंपनीज ने इसके ऊपर एतराजात भी किए, कुछ कंपनीज ने क्या भाई एग्रीगेट करने के बाद भी जो है ना हमारे तो 15 ब्रांड बनते हैं, अगर 15 ब्रांड के बारे में ये सब बातें बताने लगे ना तो हो गया हमारा काम, हम तो नहीं बताना चाहते। तो फिर स्टैंडर्ड ने एक राय दी, बोला यार देखो प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी देखते हुए तुम चाहो तो इसको 8-10 पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, देखा जाए तो रिपोर्टेबल बन के कितने आ रहे हैं? 15, जो कि बहुत कम होता है। सर पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी जिसकी 15 डिपार्टमेंट्स हो, 15 डिफरेंट हो? मेरा नहीं, यूनिलीवर तो 3 में, मेरा मानना है कि अगर कोई इसके ऊपर शायद बनती है तो मिनिस्टर ने वो है आपके पास कंसोलिडेटेड के अंदर एंग्रो और कंसोलिडेटेड के अंदर आईसीआई और ये पूरा जो है ना एक ही ग्रुप है लकी वाला तमाम मिलके पर, और तीसरी थे एंग्रो वाला ग्रुप जो है। सही है, ये पैकेजेस वगैरह जितने भी ये सब इनके बिजनेसेस वगैरह देखें तो ये एक बन सकती हैं, लेकिन वो भी अपने पास इतने डिटेल में शो वो सब क्या करते हैं सर अपने पास? अच्छा आपको पता होगा एंग्रो की पेरेंट कंपनी कौन है? दाऊद हरक्यूलस।
इन्होंने अपनी पेरेंट कंपनी भी ऐसी रखी है जिसके ऊपर रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होती। खैर तो सर 9.98 10 के बराबर नहीं है, और स्टैंडर्ड कहता है कि अगर तुम्हें लगे कि यार बहुत ज़्यादा रिपोर्टेबल आ गए ना, तो तुम अपने ऑडिटर से बातचीत करके इसको 10 तक पे रोक सकते हो। तो सर बेसिकली ये IFRS 8 था। अब स्टडी टैक्स की तरफ हम जाएंगे इसकी। कितने लोगों के पास मोबाइल में स्टडी टैक्स है? मोबाइल में जिनके पास स्टडी टैक्स है, वेल एंड गुड। जिनके पास नहीं है, किसके पास नहीं है स्टडी टैक्स मोबाइल में, वो शेयरिंग से काम चला सकते हैं, वरना जो है किसी का मोबाइल भी देख सकते हैं, क्योंकि सर स्टडी टैक्स जरूरी है। हम कितने लोगों ने हार्ड फॉर्म में स्टडी टैक्स खरीदी है? यूजुअली आप लोग बड़े हो गए तो इस लेवल पे आप लोग खरीदते FR1 के, फिर बेचारे दो चार बच्चे खरीद लेते हैं। सर मैं क्यों स्टडी टैक्स पढ़ाता हूँ, क्योंकि सर याद रखें ICAP स्टडी टैक्स में से कुछ भी जिनके पास नहीं है वो पड़ोसियों से ब्लूटूथ के थ्रू भी ले सकते हैं। नेट नहीं चल रहा, मैं अपना हॉटस्पॉट खोलूं? चलता है क्या है हॉटस्पॉट? हाँ वो था एक उसके, लेकिन किसी की थोड़ी 10% से ज्यादा है, इंडिविजुअल कस्टमर को, एक कस्टमर को एक्शन। चले मैं अपना हॉट स्पॉट मोबाइल लेके आता हूँ, हॉट स्पॉट चलता हूँ। सही है, खुश है बेटा, क्या देख रहा है सी टीवी? नहीं आता यार यहाँ पे, तुम लोग क्या पढ़ो, तुम लोग तो वो चलता है ना। नहीं कल डाली इसने, परसों डाली है। आप लोगों के पास जिनके पास नहीं है उनके पास आ रहा होगा हसन गैलेक्सी के नाम से आ रहा है A12, और पासवर्ड लिख दें Hassan21। हो गया, तुम लोगों ने FR1 में भी रिकॉर्ड यूज किया होगा, ऐसा है Hassan 3G आ रहा है, वैसे 4G तो नहीं है। कौन सी बात भाई, अगर हमने कहा स्टैंडर्ड ने कहा 10% मतलब 10% 9 point, जो हम थ्रेशोल्ड में नहीं करते ये 10%। अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक सेगमेंट है उसका 765 नहीं है 764.9 है, तो वो भी रिपोर्टेबल नहीं बनेगा, क्योंकि वो 10% नहीं बन रहा, कितना बनेगा उससे मतलब सर राउंड ऑफ नहीं करना है, 10% से नीचे 9.9 है तो भी चले सर। वही किसी ने देखा यूज किया आप लोगों ने, चला कुछ Hassan21 एक्सेस फुल हो गया, 6 डिवाइसेस कनेक्ट हुई हैं अभी HASSN। चले सर जिनका हो गया हो गया, जिनका नहीं हुआ PDF व्हाट्सएप पे भेज दो, डाउनलोड करके ग्रुप में भेज दे। चले सर बुक में स्टडी टेक्स्ट आ गई, इस पे ग्रुप में स्टडी टेक्स्ट आपके पास जो है पहुंच चुकी है, मेरे पास से जा चुकी। चले आए नौजवानों, बढ़ते हैं आगे। PDF का पेज नंबर है, मैं आपको PDF का पेज नंबर बता रहा हूं 421। बहुत सारे बच्चों को याद हो, पता हो ना पता हो कि स्टडी टैक्स नहीं आ चुकी है पिछली अटेम्प्ट से, सही है, और ICAP की तारीफ बनती है, ICAP ने काफी अच्छी स्टडी टैक्स बनाई है।
कुछ चीज़ें जो थी जो कि पहले इतनी क्लियर नहीं थी। तो आए सर 422 पे आते हैं। सबसे पहले कह रहा है यूजफुलनेस ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन पे अगर आप आए, यूजफुलनेस ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन कह रहा है मैनी एंटिटीज, बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं भाई, कैरी आउट सेवरल बिजनेस इन ऑपरेट इन नंबर ऑफ कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। भाई ये कंपनी है डिफरेंट मुल्कों में जो है अपने ऑपरेशंस भी करती है। कह रहा है ईच ऑफ दीज बिजनेसेस एंड ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स कैरीज विद इट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, डिफरेंट रेट्स ऑफ प्रॉफिट एंड वेरिंग डिग्रीज ऑफ रिस्क। Some businesses segments may be strongly influenced by the health of the company, whereas other segments be unaffected by recession. One country may be experiencing growth, another country may be less stable because of political. Awareness of these cultural and environmental differences is important to investors in order to allow them to fully understand the performance and position of the entity over past. ये basically बता रहा है ये जरूरी क्यों है? IFRS 8 जरूरी तमने का ये कह रहा है अगर कंट्रीज के बेस पे सेगमेंट कर रहे हो उसके लिए भी जरूरी है। उसके अलावा अगर तुम जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कोरोना में लोग नहा नहीं रहे, घर भी साफ इतना नहीं हो रहा, सही है, तमने का होम केयर पर्सनल केयर की सेल्स लेकिन घरों में बैठे बैठे खा रहे हैं तो फूड्स की सेल्स, तो ओवरऑल यूनिलीवर की हमने कहा सेल्स बराबर रही लेकिन जब शेयर होल्डर ने ब्रेकअप देखा तो उसको पता चला फूड्स की सेल्स बढ़ गई बाकी दो की क्या हुई कम हुई। फिर आते हैं IFRS 8 रिक्वायर्ड दैट सेगमेंट इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू एनेबल इन्वेस्टर, हमने कहा चलो भाई हमें मालूम है। फिर आते हैं स्कोप ऑफ IFRS। अब इसमें देखें दूसरी लाइन में कह रहा है व्हेन अ पेरेंट एंटिटी प्रेजेंट बोथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज वेल एज पेरेंट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सेगमेंट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड ओनली इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सही है सर। फिर कह रहा है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग, अब इसकी इसने डेफिनेशन एक्सप्लेन की, ये वही बातें हैं जो हम पढ़ चुके हैं। फिर कह रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ सेगमेंट मैनेजर्स, ये जो तीन लाइनें हैं इसका मैं आपको जिस्ट बता रहा हूँ। ये कह रहा है बाज मर्तबा हो सकता है एक ही आदमी डिफरेंट सेगमेंट्स को देख रहा हो एक साथ। फॉर एग्जांपल एक ही बंदा है यूनिलीवर का, हमने कहा वो होम केयर को भी देख रहे हैं और पर्सनल केयर को भी देख रहा है, तो बोला ये दोनों के लिए CODM काफी एक बंदा। वो हम कहेंगे होम केयर का भी CODM है और पर्सनल केयर का भी CODM यही है। सही है सर। एक ही बंदा है जो कि होम केयर को भी देख रहा है पर्सनल केयर को भी, तो हम ये कहने का मकसद ये जरूरी नहीं है कि हर सेगमेंट का CODM कौन हो, अलग अलग हो, एक ही आदमी CODM हो सकता है। फिर इसने कहा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर पेज नंबर 423 सर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर हमने कहा सर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, अब मैं आपको इसकी भी एग्जांपल देता हूं, बड़े गौर से सुनना। एक खातून थी इंडिया की, उनका नाम था आशा। क्या नाम था? आशा। अब अच्छा नाम है ना, सही। अब ये सब बचपन की तुम्हें हरकतें जो तुमने किए हैं वैसे वो सब याद आ रहे हैं। तो सर जो आशा आशा नहीं जज्बात पे काबू रख, हमने कहा जो आशा थी, आशा मोहतरमा जब मैं यूनिलीवर में था तो अब सुनना, पाकिस्तान इंडिया श्रीलंका और नेपाल और फिर पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान भी, ये पांच मुल्कों की फूड्स जो है यही खातून देखती थी। मतलब वो कंपेयर, मतलब उसके पास इंडिया के भी फूड्स की इंफॉर्मेशन, उसके पास पाकिस्तान के भी, उसके पास नेपाल की भी और श्रीलंका सबको। तो ये बेसिकली हमारी थी अल्टीमेट बॉस, वो थी इंडिया में बैठी हुई। सही है। तो वो बेसिकली बता रहे हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में ये भी होता है कि एक ही शख्स हो और वो डिफरेंट कंट्रीज को भी देख रहा हो, तो वो भी सबका एक CODM काफी है। ठीक है सर। फिर हम आगे आ रहे हैं एग्रीगेशन क्राइटेरिया, हम पढ़ चुके हैं
और एग्रीगेशन का मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, एग्रीगेशन के बारे में वो एक वर्ड यूज करेगा, सिमिलर इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक का उसने वर्ड यूज कर दिया, इसका मतलब एग्रीगेट कर दो। फिर आए सर अगली एग्जाम्पल वन पे आते हैं, पेज नंबर 424। फॉर एंटरप्राइजेस दैट आर एंगेज इन डिफरेंट बिजनेसेस with different risk and opportunities, the usefulness of financial information concerning these enterprises is greatly enhanced if it is supplemented by the information on individual business segments required. Example, why the information of financial statements is improved by inclusion of segment data on individual business. ये basically बता रहा है कि IFRS 8 क्यों जरूरी है, जो अभी नहीं ऊपर तुमने पढ़ा usefulness। यूजफुलनेस क्यों जरूरी है, सिंपल सा इसका वन लाइनर आंसर याद रखना है, किसी को ये रट्टा नहीं मारनी थ्योरी, मैं बार बार कहता हूँ रट्टे पे नहीं जाओ। वन लाइनर आंसर क्या है कि शेयर होल्डर्स को डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जब उन्हें बिजनेस के डिफरेंट सेगमेंट के बारे में डेटा पता होगा। दूसरा कह रहा है डिस्कस हाउ IFRS 8 रिक्वायर्स दैट सेगमेंट बी एनालाइज्ड। अब इसका आंसर पढ़ते हैं, एनालाइजिंग सेगमेंट। IFRS 8 डिफाइंस एन ऑपरेटिंग सेगमेंट एज अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी दैट एंगेजेस इन बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम व्हिच इट मे अर्न रेवेन्यूज एंड इनकर हुज ऑपरेटिंग रिजल्ट्स आर रिव्यूड रेगुलरली बाय CODM इन द एंटिटी एंड फॉर अदर डिस्क्रिप्शन। नॉट एवरी पार्ट ऑफ अ बिजनेस इज नेसेसरीली एन ऑपरेटिंग सेगमेंट और पार्ट ऑफ एन सेगमेंट। हेड ऑफिस इज एन एग्जाम्पल सिंस हेड ऑफिस डज नॉट अर्न रेवेन्यूज। अब देखो ये लंबी कर रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है IFRS 8 requires entities should report information about each segment that is identified and exceed certain threshold of revenue operating profit. अब सुनो मेरी बात, बेसिकली ये पूछ रहा है कि मुझे पूरा स्ट्रक्चर बता दो कि IFRS 8 क्या कहता है, ऑपरेटिंग सेगमेंट कैसे, स्टेप वन ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई, दूसरा एग्रीगेट, तीसरा रिपोर्टेबल। ये क्राइटेरिया आपको लिख देना है बस, सही है, ये आपका हो जाएगा एनालिसिस। एंड में क्या है, IFRS 8 अप्लाइज टू कोटेड कंपनीज ओनली। कोटेड का मतलब क्या होता है, जो लिस्ट हो, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो। अब आ जाइए रिपोर्टेबल सेगमेंट पे आ गया, अब आ जाइए इसमें पहले 10% क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड नजर आया सबको टेबल में, हाँ जी। अब इसके बाद की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब देखो ये बात IFRS में कहीं भी सच नहीं लिखी, लेकिन बेसिकली ये बता रहा है यूजफुलनेस क्राइटेरिया। अब ये बात हम पढ़ लें, इसको सब मार्क इज इंपॉर्टेंट, पेज नंबर लिख लो PDF का 425, ये तुम्हें रिवीजन के टाइम पे भी देखना है, आई कैप यहाँ पे खेल सकता है। पेज नंबर 425 बुक का है, पेज नंबर ये 421, लेकिन PDF में अगर आप देखेंगे तो 425 बन रहा है, जिसमें कह रहा है यूजफुलनेस क्राइटेरिया। ऑपरेटिंग सेगमेंट दैट डू नॉट मीट एनी ऑफ द 10% क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड्स मे बी कंसिडर्ड रिपोर्टेबल एंड सेपरेटली डिस्क्लोज्ड इफ मैनेजमेंट बिलीव्स दैट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सेगमेंट वुड बी यूजफुल टू यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल। अब सुनना बड़े गौर से, इसने ये चीज मैनेजमेंट के ऊपर छोड़ दी। इन तीन लाइनों में कह रहा है कि भैया एक सेगमेंट रिपोर्टेबल नहीं बन रहा और मैनेजमेंट कहती है कि हम इसको रिपोर्टेबल बनाना चाहते हैं, तो क्या इजाजत है? इजाजत है, एक सेगमेंट रिपोर्टेबल मैनेजमेंट कहती है हम इसकी डिसइंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो क्या इजाजत है? तो अब आपको IKEP क्या करेगा, सुन IKEP इसका MCQ बनाएगा। मैनेजमेंट कैन मेक एनी सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट बेस्ड ऑन इट्स यूजफुलनेस, ट्रू और फॉल्स, क्या जवाब है? ट्रू। मैनेजमेंट किसी भी, देखो स्टैंडर्ड ने कहा मिनिमम इनको रिपोर्टेबल बताना है, 75% रूल।
मुझे मैंने कह दिया हम एक और बताना चाहते हैं, बोलते हैं बता दे, शेयर होल्डर को जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। कोई मसला नहीं, फिर भी कंडीशन तो दो, कहें मिनिमम ये काम। फॉर एग्जांपल मैंने होमवर्क दिए 10 सवाल, मैंने कहा 700 सबको करने ही, जिसने 7 नहीं किए वो अगली क्लास में नहीं आएगा। अगर एक बच्चे ने कहा कि सर मैं अगर बाकी 3 भी कर लूं तो बहुत अच्छी बात है ना, तुम कर लो, लेकिन 7 तो स्टैंडर्ड ने भी कहा, देखो इनको तो रिपोर्टेबल करना ही करना है जो ये क्राइटेरिया मीट करते हैं, इनके अलावा तू जिसको चाह भाई क्या कर सकता है। सर कह रहा है कंबाइनिंग इंफॉर्मेशन, ये वही एग्रीगेशन क्राइटेरिया की बात कर रहा है। फिर कह रहा है कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, इफ मैनेजमेंट जजेस दैट अ रिपोर्टेबल सेगमेंट इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग पीरियड इज ऑफ कंटिन्यूइंग सेगमेंट सिग्निफिकेंस, इंफॉर्मेशन अबाउट द सेगमेंट शैल कंटिन्यू टू बी रिपोर्टेड सेपरेटली इन द करंट पीरियड इफ इट इज नो लॉन्गर मीट्स द 10% थ्रेशोल्ड। अब ये कौन बताएगा इसका मतलब? ये 3 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये मैं चाहूंगा स्टडी टेक्स्ट नहीं पढ़ाऊंगा तो तुम में से किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन आईकेप को पड़ेगा, वो पूछ लेगा ना, तो इसीलिए स्टडी टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी टॉपिक के। कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस क्या कह रहा है, कौन समझाएगा? कोई है जो समझाए ऑनलाइन वालों? बिल्कुल ठीक है सर। हमने कहा फॉर एग्जाम्पल अभी इस सवाल के अंदर इंजन जो है, हम 2021 कर रहे थे, इंजन 2021 में क्या था? रिपोर्टेबल था। 2022 पे हम आए और इंजन रिपोर्टेबल नहीं था, लेकिन फिर भी इसने कहा अगर पिछले सालों में रिपोर्टेबल था और मैनेजमेंट समझती है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको इस साल भी रिपोर्टेबल होना चाहिए, तो मैनेजमेंट इसको भी क्या करेगी? रिपोर्टेबल। इसका मतलब एक लाइन देखो, बॉटम लाइन याद रखा, बॉटम लाइन ये है कि मैनेजमेंट की मर्जी, जिसको चाहे रिपोर्टेबल बना दे, मैनेजमेंट की मर्जी, ये चाहो तो लिख भी दो अपने पास कहीं, लिख भी दो ताकि बोलो नहीं, ये पंच लाइन इसकी कह दो रिपोर्टेबल लाइन मत। मैनेजमेंट की मर्जी, जिसको चाहे, मैनेजमेंट की मर्जी जिसको चाहे तो रिपोर्टेबल बना दे। स्टैंडर्ड कह रहा है मिनिमम बेटा तुझे ये डिस्क्लोज करने, मैक्सिमम तो कोई तो सब डिस्क्लोज कर दे। मैनेजमेंट की मर्जी जिसको चाहे रिपोर्टेबल बना दे। तो सर मैनेजमेंट के पास इतनी पावर है जी, स्टैंडर्ड कहता है शेयर होल्डर को जितनी इंफॉर्मेशन दे सकते हो दो। तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारी महीने की, फॉर एग्जांपल महीने की पॉकेट मनी अब्बा ने रखी 10,000, और अब्बा ने कहा बेटा इस 10,000 में से कम 1,000 रुपए तुझे चैरिटी करने, सदका करने। अब तुमने कहा अब्बा मैं 2,000 करूंगा, तो अब्बा मना थोड़ी करेंगे। मिनिमम की लिमिट है कि 10,000 तो, ओ 1,000 तो तुझे 10% करना है, मैक्सिमम की लिमिट। इसमें भी अब लोग इतने बड़े बड़े टोपी हैं, अब्बा ने कहा इतना चैरिटी करना है, तो उन्होंने अपने कुछ खास दोस्तों को चैरिटी खिला दिया। अब्बा ने मतलब लोगों ने पूछा भी सदका करने थे, उन्होंने कहा देखो भाई फैमिली के ऊपर खर्च करना सदका है, वो अभी फैमिली नहीं फ्यूचर में तो होगी, सही है, इस चक्कर में लोगों ने खर्चे किए। वो जैसे नहीं शैतान बेकाता है कि फजर में उठाना,
समझ रहे हो फजर में क्यों, ये क्या है ये, मतलब फजर में उसी को उठा दो, तो बचपन का एक दोस्त है स्कूल का सेम जेंडर का, उसको तूने आज तक फजर में नहीं उठाया और उसको आप किसी और को फजर में उठा रहे हो, ये सब शैतान क्या है ना। मैं आज ही एक बंदे को कह रहा था, मैंने कहा इंसान इतनी बड़ी टोपी है ना कि वो शैतान सारे गलत काम करेगा, बोले यार शैतान ने बेका दिया शैतान हावी हो गया, सही है वो, ये वो शैतान भी बोलेगा भाई ये मुझसे बड़ा था रब। अब जैसे हमारी कुछ कौम में ऐसे मसाइल है हमारी एज अ कौम, एक तो हम फौरन से कह सकते हैं कि भाई शैतान, इसके अलावा अगर कुछ मसला होना तो हम कहते हैं यार इसके ऊपर जादू हो गया, ये हो गया, सही है असर आते हैं। मुझे याद एक दफ़ा हमारी मस्जिद के इमाम साहब थे, उनके पास एक बंदा आया और उसके भाई था वो, उसने ना कुछ अजीब अजीब काम भी कर दिए, बोला यार ये जो है ना इसके ऊपर जिन विन के असरात हैं और इसके ऊपर जो है ना जिन हावी हो गया। इमाम साहब ने उस बंदे को कहा भाई एक बात सुन, तेरे भाई को मैं जानता हूँ, ये जिन के ऊपर हावी हो सकता है, जिन इसके ऊपर हावी नहीं हो सकता, ये टोपिया करा रहा है, सही है तो आ जाए। आ जाए सर आगे बढ़ते हैं। 75% एक्सटर्नल रेवेन्यू थ्रेशोल्ड, सही है सर, ये बेसिकली हम पढ़ चुके हैं। प्रैक्टिकल लिमिट पे आता हूं, यही जो भी मैं कह रहा था प्रैक्टिकल लिमिट, there may be a practical limit to the number of reportable segments that an entity separately discloses beyond which segment information may become too detailed, although no precise limit has been determined। इसने कहा स्टैंडर्ड ने कहा है कि भाई मैक्सिमम लिमिट देख लो, बहुत सारे अगर सेगमेंट बन रहे हैं तो इसको एक जगह पे रोक दो। फिर क्या कह रहा है स्टैंडर्ड ने, कोई लिमिट नहीं बताई है। As the number of segments that are reportable increases, then the entity should consider whether a practical limit has been। अब ये ICAP आपको बता रहा है, इसने कहा देखो स्टैंडर्ड में नहीं बताया कोई भी लिमिट हो, ICAP अपनी स्टडी टेक्स्ट में लिख रहा है कि अगर 10 से ज्यादा रिपोर्टेबल बन रहे हैं तो तुम क्या कर सकते हो। अब ट्रू एंड फॉल्स आ गया पेपर में। Can an entity impose a practical limit to number of segments exceeding 10? True या false? तो जवाब क्या है? True. सही है सर? तो ये इस तरीके से study text की ये importance है। Study text में ये बातें हैं। सर इसके बाद आते हैं example 2, हम क्लास में कर चुके हैं ना? कर चुके हैं example 2? Yes. Example 3 भी कर चुके हैं? Yes. Example? फोर के पहले कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन याद है ना, ये 16 में बनाते थे डिस्क्लोजर में कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, यहां भी कह रहा है आईएएस 16 में पिछले दो सालों का डिस्क्लोजर नहीं बनाते थे, जो पिछले साल का डिस्क्लोजर होता है उसको हम क्या कहते हैं कंपैरेटिव। ईपीएस में प्रायर पीरियड सेगमेंट डेटा फॉर अ प्रायर प्रेजेंटेड पीरियड प्रेजेंटेड फॉर अ कंपैरेटिव पर्पसेस शैल बी restated to reflect the newly reportable segment as a separate segment, even if it is that segment did not satisfy the criteria for reportability in the prior period, unless the necessary information is not available and the cost to develop it would be excessive। अब सुनना, इस बात का मतलब क्या है? बताता हूँ। इसने कहा, सपोज करो यही बिजनेस है, सवाल हुआ है पिछले साल खाली पर्सनल केयर और इंजन ही रिपोर्टेबल सेगमेंट थे, स्क्रैप सेल्स रिपोर्टेबल सेगमेंट, अब इस साल स्क्रैप सेल्स भी क्या बन गया? अब आपको ये बात पता है अगर डेटा गिवन हो तो हम इस साल का भी डिस्क्लोजर बनाते हैं और पिछले साल का भी। अब इसने कहा इस साल स्क्रैप सेल्स था, पिछले साल, इस साल तुमने जब स्क्रैप सेल्स डाला है तो पिछले साल भी स्क्रैप सेल्स को रिपोर्टेबल सेगमेंट बनाओ और उसका पिछले साल का डेटा भी डालो। स्टैंडर्ड कह रहा है क्योंकि शेयर होल्डर को आसानी हो, जब वो इस साल स्क्रैप सेल्स की डिटेल देखे तो पिछले साल की भी उसको देखने में। तो सर इस साल का डेटा तो आपने बना लिया, पिछले साल का
डेटा भी। अच्छा सर, क्या इसके ऊपर हमारा प्रैक्टिकल सवाल आ सकता है? नहीं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम टेस्टिंग लेवल क्या है? 8। तो 8 के लिए वो कभी भी तुम्हें 2 सालों का डिस्क्लोजर हाँ एमसीक्यू में पूछ सकता है। क्या पूछेगा? या ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है कि डज एन एंटिटी रिक्वायर टू रीस्टेट प्रीवियस ईयर सेगमेंट डिस्क्लोजर बेस्ड ऑन न्यूली एडिड सेगमेंट? ट्रू या फॉल्स? यस या नो? यस। आपको पिछले साल भी क्या करना पड़ेगा? रीस्टेट करना पड़ेगा। सही है सर। तो आई के बेसिकली स्टडी टेक्स्ट है, देखो ये फायदे होते हैं। आगे आ रहे हैं, अब फिर ये कह रहा है ऑल अदर सेगमेंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस एक्टिविटीज एंड ऑपरेटिंग सेगमेंट दैट आर नॉट रिपोर्टेबल शैल बी कंबाइंड एंड डिस्क्लोज्ड इन ऑल अदर सेगमेंट्स कैटेगरी सेपरेटली फ्रॉम अदर रिकनसाइलिंग आइटम्स इन द रिकनसिलिएशंस रिक्वायर्ड बाय डिस्क्लोजर। सर किसकी बात कर रहे हैं? नॉन रिपोर्टेबल। किसकी बात कर रहा है? इसने कहा जो बाकी सेगमेंट्स जो के रिपोर्टेबल उनको कंबाइन करके नॉन रिपोर्टेबल या ऑल अदर सेगमेंट्स का नाम दो और ये दोनों कॉलम अलग अलग रखो। अदर एडजस्टमेंट वाला कॉलम अलग रखो, ये वाला कॉलम अलग रखो। इसको इसने हमने कहा है नॉन रिपोर्टेबल, इसने क्या कहा है ऑल अदर सेगमेंट्स। बात एक ही है। चलें सर आगे बढ़ते हैं, डिस्क्लोजर में आते हैं। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, जर्नल इंफॉर्मेशन, एंटिटी शैल डिस्क्लोज फैक्टर यूज्ड टू आइडेंटिफाई सेगमेंट्स, वही बात, थ्रेशोल्ड वगैरह, जजमेंट्स मेड बाय मैनेजमेंट इन एग्रीगेटिंग और टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट। बता रहा है कि द एंटिटी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग फॉर ईच पीरियड फॉर विच अ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज प्रेजेंटेड, सेगमेंट प्रॉफिट इंक्लूडिंग रेवेन्यूज एक्सपेंसेस और सेगमेंट एसेट्स एंड और बेसिस ऑफ मेजरमेंट थ्रेशोल्ड वगैरह। फिर बता रहा है रिकंसिलिएशन में क्या क्या चीजें आएंगी, सेगमेंट रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट्स लाइबिलिटीज और अदर मटीरियल सेगमेंट आइटम्स। फिर कह रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये बातें भी तुम बताओ अगर सीओडीएम को बताते हो। कह रहा है एंटिटी शैल आल्सो डिस्क्लोज द फॉलोइंग अबाउट ईच सेगमेंट इफ द स्पेसिफाइड अमाउंट्स आर इंक्लूडेड इन द मेजरमेंट ऑफ सेगमेंट प्रॉफिट और लॉस रिव्यूड बाई और आर अदरवाइज रेगुलरली प्रोवाइडेड टू सीओडीएम इवन इफ नॉट इंक्लूडेड इन द मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल ट्रांजेक्शंस विद अदर सेगमेंट्स इंटरेस्ट रेवेन्यू इंटरेस्ट एक्सपेंस डेप्रिसिएशन एंड मटीरियल आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस डीचर एंटिटीज इंटरेस्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एसोसिएट्स एंड जॉइंट, ये हम पढ़ेंगे कंसोलिडेशन में, इनकम टैक्स एक्सपेंस और मटीरियल नॉन कैश आइटम। फिर कह रहा है एंटिटी शैल डिस्क्लोज the following about each segment if the specified amounts are included in the measure of segment assets reviewed by CM or otherwise even if not included in segment assets amount of investment in associate or non current assets hamare paas hain ye aapke liye itne relevant nahi fir keh raha hai entity wide disclosures that these disclosure apply to all entities subject to IFRS 8 including those entities who that have a single reportable segment. ab ye important hai, isko mark as important karo. isne kaha ye disclosure to har usko dekhne, agar ek company ne kaha hamara ek hi segment hai, hamara bhai agar ek company ki sales for example humne kaha, ye OnePlus walon ne kaha ki yaar hum OnePlus mobile hi बेचते हैं, इसके अलावा मोबाइल के अलावा कुछ और बेचते ही, तो बोला तो भी तुम्हें ये चार बातें बतानी है। रेवेन्यूज फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स फॉर ईच प्रोडक्ट एंड सर्विस और ईच ग्रुप ऑफ सर्विस,
Revenue from external customers attributed to the entity's country of domicile and attributed to all countries which the entity drives revenue. अब सर इसके आगे लिखने आपको बतानी है एक्सपोर्ट सेल्स को अलग से, इंटरनल सेल्स अलग होंगी, एक्सपोर्ट सेल्स अलग. फिर कह रहे हैं नॉन करंट एसेट्स इंक्लूडेड इन एंटिटीज कंट्री ऑफ डोमिसाइल एंड फॉरेन कंट्रीज, बाहर जितने भी एसेट हैं सब बताने हैं, और एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ एनी कस्टमर रेवेन्यू ग्रेटर देन 10%. ठीक है सर. फिर इसने बता दिया कि भैया जो मेजरमेंट है सपोर्टेबल, ये वही चीजें जो हमने पढ़ी. एग्जाम्पल फॉर गोहर लिमिटेड, ये सवाल हम कर चुके हैं. देखें केमिकल सोडा एच पॉलिस्टर, यस सर कर चुके हैं, इसका डिस्क्लोजर भी हम बना. कॉम्प्रीहेंसिव एग्जाम्पल में अगर आप आएंगे, इसमें एक एग्जाम्पल आ रही है शहजाद भाई की, किसकी, वो सवाल हम, वो एग्जाम्पल पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसके एमसीक्यू उसकी तरफ आएंगे. अच्छी एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 5. शहजाद इंडस्ट्रीज हैज रिसेंटली अक्वायर्ड 4 लार्ज सब्सिडरीज. दीज सब्सिडरीज मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स विच आर ऑफ डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द पेरेंट कंपनी. पेरेंट कंपनी मैन्युफैक्चर प्लास्टिक्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स वेयर एज द सब्सिडरीज मैन्युफैक्चर द, एक सब्सिडी टेक्सटाइल करती है, एक गाड़ियों के काम पे, एक फैशन और एक डायरेक्टर्स हैव परचेज दीज सब्सिडरीज इन ऑर्डर टू डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्ट बेस. डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं बट डू नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन द एफएस रिगार्डिंग दीज सब्सिडरीज अदर देन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट. पहली चीज, एक्सप्लेन टू द डायरेक्टर्स द पर्पस ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इसका पर्पस मतलब क्या है, वो यूजफुलनेस, क्यों जरूरी है शेयर होल्डर को पता. दूसरा में कह रहा है एक्सप्लेन द डायरेक्टर्स द क्राइटेरिया व्हिच शुड बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई सेपरेट रिपोर्टेबल सेगमेंट. ये किसकी बात कर रहा है, थ्रेशोल्ड की, किसकी बात कर रहा है. इसकी जो आखिरी लाइन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आईकेप यही पूछेगा थ्योरी. क्रिटिकली IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट सेटिंग आउट एनी प्रॉब्लम विद द स्टैंडर्ड. इसका डिसएडवांटेजेस ऑफ IFRS 8. अब देखो स्टडी टेक्स यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है. स्टैंडर्ड ने कहीं भी नहीं बोला कि मेरे में कुछ मसला है, लेकिन ये बता रहा है कि इसके साथ कुछ मसले भी हैं. तो ये डिसएडवांटेजेस ऑफ IFRS 8 है. क्या IFRS 8 अप्लाई करने के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कंपनी को क्या मुश्किलात. अब मैं आपसे पूछता हूं, आप फेंके मुझे बताएं क्या मुश्किलात हो सकती हैं. सर मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी है, जो दिखाना है बोल दे, हम CODM को नहीं दिखाते, कौन वेरीफाई करेगा, है ना. मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी बहुत ज्यादा दे दी गई है, सही है. जिस जो चीज चाहे दिखाए, जो चीज चाहे ना दिखाए, सही है सर. फिर हमने कहा कि बाज मर्तबा ये चीज बहुत मुश्किल हो जाता है जजमेंट वगैरह भी लगाना, किसको एग्रीगेट करें किसको ना करें. तो आए इसका पार्ट सी के आंसर पे आएंगे, पेज नंबर 433. IFRS 8 lays down some very broad and inclusive criteria for reporting segments. Unlike earlier attempts to define segments in more quantitative terms, segments are defined largely in terms of the breakdown and analysis used by management. वही कह रहा है कि management को सब कुछ दे दिया है भाई, तू कर. This is potentially a very powerful method of ensuring the preparers provide useful information. There will still be problems in deciding which segments to report if only because management may still attempt to reduce the amount of commercially sensitive information that they. वही बात, मैनेजमेंट चाहे शेयरहोल्डर को नहीं बताना चाहे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नहीं बताए डायरेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताए, सही है. शेयरहोल्डर परेशान हो तो मैनेजमेंट के हाथ में है. फिर क्या कह रहे हैं, द ग्रोइंग यूज ऑफ, देखना एक मैनेजमेंट, और सच बताऊं बेसिकली बहुत सारे ऐसे काम करती है. मुझे वो याद आ गए मुफ्ती तारिक मसूद, उनकी बहुत सारे एग्जाम्पल सुनी हुई होगी.
वो जो एक रिश्ते के लिए आया और कहा कि लड़का क्या काम करता है, बोला लकड़ी का काम करता है। बोला वो लकड़ी का काम करता है, वो बार बार पूछते भाई क्या काम, बोला लकड़ी का काम करता है, बहुत अच्छा काम है। बोला क्या काम करता है, लकड़ी का काम करता है। बोला अल्टीमेटली फिर बताया कि यार वो मस्जिद के बाहर मिसवाक बेचता है। सही है, तो यहाँ पर भी मैनेजमेंट ये काम कर सकती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं बता रही है, डायरेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बता रही है। अब बंदा परेशान, कॉस्ट ज़्यादा या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो ये काम मैनेजमेंट कर सकती है। फाइन, फिर कह रहा है ग्रोइंग यूज ऑफ एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट विद इन बिजनेसेस मेक इट ईजियर टू जनरेट रिपोर्ट्स ऑन एन एड हॉक बेसिस। जिसने कहा आप इतने अच्छे सिस्टम्स हैं, एक क्लिक पे सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। अच्छा, तो इट वुड बी रिलेटिवली ईजी टू प्रोवाइड मैनेजमेंट विद अ वेरी बेसिक सेट ऑफ इंटरनल रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस एंड लीव द इंडिविजुअल मैनेजमेंट टू मैनेजर्स टू प्रिपेयर देयर ओन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। If such analysis become routine, then they would be reportable under IFRS 8. इसने कहा अगर तुम मैनेजमेंट को हर छोटी छोटी चीज़ बता रहे हो ना, तो IFRS 8 कहता है शेयर होल्डर को भी बताओ। अब अगर शेयर होल्डर को सारी छोटी बातें तुमने बता दी, बट देट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू चेक एंड ऑडिट। अब ऑडिटर किस किस चीज़ को बेचारा चेक करेगा। इसी तरीके से कह रहा है देयर इज द प्रॉब्लम इन मेजरमेंट ऑफ सेगमेंट इन परफॉर्मेंस इफ एनी सेगमेंट ट्रेड विद ईच अदर। Disclosure of details of inter-segment pricing policy is often considered to be detrimental to the good of a company. There is little guidance on the policy of transfer pricing. Different internal reporting structures could lead to inconsistent income. अब सर सुनिएगा, transfer pricing तुम्हें पता है क्या होती है? एक department किसी जमाने में costing के syllabus में होती थी, but IK बहुत अच्छा हो गया और तुम्हारे syllabus से मैं यूनिलीवर में एक दो फूड्स देखता था, इसके अलावा मैं पूरी यूनिलीवर के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग को भी हेड करता था। ट्रांसफर प्राइसिंग हेड क्या होती है भाई? बाज मर्तबा एक प्रोडक्ट यूनिलीवर इंडोनेशिया नहीं बना रहा, वो यूनिलीवर पाकिस्तान को पूछता है तुम बना दोगे? हम बोलते हैं बना देंगे। अब जब बनाएंगे तो उसको एक प्राइस भी तो कोट करनी है। वो कोटेशन वाला काम मेरे पास था और यकीन मानो हम पता है कितनी प्राइस कोट करते थे, डबल। पाकिस्तान में अगर एक चीज़ 20 रुपए की बन रही थी ना, तब उनको सेल्स कितनी कहते थे? 40। अब आप सोचो कि इससे विंडो ड्रेसिंग नहीं हो रही। मुझे जो है एक्सपोर्ट अगर एक चीज़ करनी है और अपने यूनिलीवर वर्ल्ड में करनी है दूसरी कंपनी कोई, तो मैं 20 रुपए की जो उसको भेज दूँ 100 रुपए की, उसको भी हेड ऑफिस ने कहा हुआ या पेरेंट कंपनी ने कि तू इससे 500 की खरीद ले ये चीज़, तो मेरी तो सेल्स बढ़ जाएगी ना। तो हमने कहा कि भैया ये चीज़ें जो है ना, अगर कंट्री लेवल पे हो ना, तो एक तरह से बहुत बड़ा लूप होल भी होती हैं। और फिर इनको अगर तुम शेयर होल्डर को डिस्क्लोज करोगे तो वो पता है क्या बोलेगा? यूनिलीवर पाकिस्तान अगर नूडल का एक पैकेट यूनिलीवर इंडोनेशिया को 500 का दे रही है और मार्केट में 75 रुपये का बेच रही है, तो आप शेयर होल्डर हैं, आप क्या बोलेंगे? अबे पाकिस्तान में बेच क्यों रहे हो, बाहर ही बेचो, एक्सपोर्ट ही करो। तो शेयर होल्डर हद से ज़्यादा चीज़ों में घुसेगा। तो बोला सही है, इसके ये भी मसाइल। तो इसके डिसएडवांटेजेस मोटे मोटे अगर आप समराइज करें क्या है, लिख लें इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ IFRS 8। डिसएडवांटेज नंबर वन, IFRS 8 provides authority to management. IFRS 8 provides authority to management regarding disclosure or non-disclosure IFRS 8 provides authority to management regarding disclosure or non-disclosure of any segment information. Any segment information. Hence, management may hide any sensitive information. Management sensitive information छुपा सकती है।
डिसएडवांटेज नंबर टू, टू मच इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स, टू मच इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स, may be confusing. Too much information to shareholders may be confusing. अगर आपको एक थ्योरी के पेपर में पूरे एक स्टडी टेक्स्ट कोई बोले और कोई बोले मुझे इसकी समरी बना दिए, तो आप किसको लेके जाएंगे? समरी प्रेफर करेंगे ना, मैं समरी से पढ़ूंगा। आप शेयरहोल्डर को आप जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे वो बेचारा परेशान होता फिरेगा। फिर थर्ड डिसएडवांटेज, it would be difficult for external auditors, it would be difficult for external auditors it would be difficult for external auditors to audit segment information, to audit segment information. अब सर देखें, जिस बच्चे ने स्टडी टेक्स्ट नहीं पढ़ी होगी ना, पढ़ाई के में सवाल आ गया डिसएडवांटेजेस, वो बच्चा गया। अब ये सब आई के पी शरारतें, ऐसी बातें कहाँ लिखता है। इसीलिए खुदारा हाथ जोड़ के कहता हूँ, कोई भी पेपर हो, स्टडी टेक्स्ट टीचर कराए ना कराए, तुम्हें ज़रूर खोलनी है। एक आध ऐसा एक दफ़ा ऑडिट में ये हो चुका है, पूरे पाकिस्तान के टीचर्स को आईकेप ने जो है ना सुना दी थी। ऑडिट में एक कॉन्सेप्ट आया, स्टडी टेक्स्ट में उसके ऊपर दो लाइनें थी, टीचर्स ने किसी ने भी नहीं कराया पूरे पाकिस्तान ने, और कह दिया आउट ऑफ आईकेप ने कहा रुको ज़रा, स्टडी टेक्स्ट खोली उस मीटिंग में और टीचर्स को बताया कि ये चीज़ स्टडी टेक्स्ट में लिखी थी इस पॉइंट के नीचे, आपने अगर बच्चों को नहीं पढ़ाई तो ये हम पे टोपी। इसी तरीके से एक दफ़ा कॉस्टिंग में भी बंद हुआ है, कॉस्टिंग में एक दफ़ा पूरे पाकिस्तान के टीचर्स ने एक चीज़ बच्चों को बताई कराई, और आईकेप ने जब वो चीज़ अपने पेपर में दी और सोल्यूशन दिया तो अलग किया, टीचर्स सारे मिल गए कि आईकेप तुमने गलत सोल्यूशन किया। आईकेप ने कहा रुको ज़रा, और आईकेप ने साबित किया कि सोल्यूशन टीचर्स मेरा सही है तुम्हारा गलत है। तो आईकेप इतना हल्का, ये मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, देखो एक चीज के अंदर मेरी और आईकेप की इंटरप्रिटेशन अलग हो सकती है, होगी भी तुम देखोगे, लेकिन आपको फॉलो किसको करना है? आईकेप, क्योंकि तुम्हारे पेपर मैं चेक नहीं करूंगा, कौन करेगा? हाँ, आईकेप को मैं या कोई और टीचर ये रिकमेंडेशन देते हैं। आईकेप हमें क्वेश्चन भी देता है और जब रिजल्ट आ जाता है ना तो हमें आंसर भी देता है और कहता है यार तुम बताओ, वो खैर डिले हो जाता है काफ़ी टाइम कि आंसर में कोई गलती तो नहीं है, तो हम कहते हैं भाई देखो गलती तो नहीं है लेकिन इसका आंसर ये भी, तुम्हें इसको भी कंसिडर। तो अभी आप देखेंगे रिसेंट अटैम्प्ट में आईकेप ऑल्टरनेट आंसर भी देने लगा है सोल्यूशन में, तो वो जो ऑल्टरनेट आंसर होते हैं वो है ये कि भैया कि किसी ने अगर इस इंटरप्रिटेशन पे किया हो। चलें सर आगे बढ़ेंगे, बस ये खत्म होने वाला, अब इसके आएंगे MCQs। जे लिमिटेड वाले टाइप के हम सवाल कर चुके हैं, डायमंड भी तुम लॉस्ट नहीं तो तुम्हारी जिंदगी में माशाल्लाह है, ये लिस्ट ऑफ एडर्स भी देख लिया। MCQs, अब ये सारे MCQs वही हैं जो स्टडी टेक्स्ट में है, जल्दी से करेंगे। ऑपरेटिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन शुड इंक्लूड, जल्दी से बता दें ऑपरेटिंग सेगमेंट की इंफॉर्मेशन में क्या चीजें शामिल होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4 क्या है? जल्दी ये टॉपिक खत्म है, थर्सडे से इंशाल्लाह नया टॉपिक शुरू है। 1, वाह भाई वाह, मोबाइल पे क्या बात है, चले जी बताएं पहले का आंसर क्या है। ये देखें वॉल, कौन कह रहा है ऑल, 1 to 6 ऑल। सर ये कहता है नंबर ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट बतानी चाहिए इंक्रीज, सही है, शुड इंक्रीज द नंबर, इनेबल यूजर्स टू सी एन एंटिटी थ्रू आईज ऑफ मैनेजमेंट,
enable an entity to provide every enhance consistency with the management discussion and analysis, provide various measures of segment, provide information about reduced सर क्या हमें रिड्यूस स्टाफ के बारे में बताना जरूरी है? तो सही जवाब है डी 1-2, 1-2-5 ये चीजें बताता है, लेकिन रिड्यूस स्टाफ के बारे में तो 1-2-5 को आप करेंगे मार्क, ये और इस एमसीक्यू को मार्क एज इंपॉर्टेंट करेंगे, पेपर में आ सकता है। एमसीक्यू नंबर 2 आपके दांतों की तरह शार्प और शफाफ है। एमसीक्यू नंबर 2 जल्दी से बच्चों, बहुत सिंपल है यार, ऑपरेटिंग सेगमेंट की डेफिनेशन है, 1 भी इस डेफिनेशन का हिस्सा है, 2 का भी, 3 भी, 4 है नहीं, 1-2-3 तो इसका सही जवाब क्या है बेटा? 3 में आते हैं, कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी दैट सेल्स प्राइमरीली और एक्सक्लूसिवली टू अदर सेगमेंट्स ऑफ द एंटिटी ए बी सी, इट मस्ट बी क्लासिफाइड, इट मस्ट बी एक्सक्लूडेड, इट इज इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग इफ द एंटिटी इज मैनेज्ड दैट वे और मैनेजमेंट सो डिजायर्स। अब ये देखो उर्दू मतलब क्या है, इसने कहा एक सेगमेंट जो कि सिर्फ इंटरनल सेल्स ही करता है वो ऑपरेटिंग सेगमेंट होना चाहिए या तो हमने कहा इसका जो पहला जवाब है मस्ट तो घट गया, जरूरत तो तुम पे कोई जबरदस्ती कर सकता है नहीं, तो सेगमेंट ना ए है ना तो सी हो सकता है, जैसे अगर एंटिटी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, और डी अगर मैनेजमेंट चाहे तो, देखो मैनेजमेंट की चाहत डिस्क्लोजर में है, उसमें नहीं है, क्लासिफिकेशन में नहीं है, तो इसका सही जवाब है सी। इसका सही जवाब क्या है? अब आओ मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिकल केस बताता हूँ। सुजुकी का नाम तो आपने सुना होगा, सुजुकी किस लिए मशहूर है? छोटी गाड़ियों के लिए। सुजुकी की अब बड़ी गाड़ी लेते हुए आपको खुद भी शर्म आएगी, है ना, वो आई थी सुजुकी कियाज आई थी और एक और भी आई थी सुजुकी की, ना क्यास, अब लियाना भी नहीं, सुजुकी की लियाना भी नहीं चली, क्यास भी तो सर। अब सुजुकी का स्ट्रक्चर ये है, सुजुकी ने अपने इंटरनली एक डिवीजन बनाई है जो सुजुकी को इंजन बना के देती है, क्या करके देती है, तो अगर वो डिवीजन सुजुकी को इंजन बनाकर देती है तो वो सिर्फ सुजुकी कंपनी को बेचती है, मार्केट में इंजन नहीं बेच रही, तो वो डिवीजन जो है अगर सुजुकी को इंजन बेच रही है तो हमने कहा सुजुकी कंपनी बनी हुई ऐसी है, मैनेज ही ऐसे होती है कि उसके एक सेगमेंट की सेल दूसरे को है, तो इसीलिए इसका सही जवाब क्या है, इसको भी मार्क एज इंपॉर्टेंट कर लो। वन और थ्री, अब तक फोर पे आ जाओ, बहुत इजी है। IFRS 8 शैल अप्लाई टू वन ओनली चार्ली लिस्टेड कंपनीज, ऐसा ही है। MCQ नंबर 5 एन ऑपरेटिंग सेगमेंट, ये देखो आईकेएफ ने इसी से की कॉपी मारी, मे एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटीज फॉर विच इट हैज येट टू अर्न, फॉर एग्जाम्पल स्टार्टअप ऑपरेशंस, एंड It will be reportable segment before earning revenues, may be reportable segment before earning, will not be reportable, none of the above. Alpha थोड़ा सा इसने MCQ के options में change कर दिया है ना, Alpha, Beta, Charlie, Delta, इसने कहा एक ऐसा operating segment जिसने अभी revenue कमाना शुरू, क्या वो reportable हो सकता है? एक है हाँ वो रिपोर्टेबल होगा, बी कह रहा है हो सकता है कि वो रिपोर्टेबल हो जाए, सी कह रहा है नहीं हो सकता, नहीं होगा, और फोर कह रहा है मुझे नहीं पता। सही जवाब क्या है? कितने लोग कह रहे हैं अल्फा, कितने लोग कह रहे हैं बीटा? आईकेप खेल गया यहाँ पे, सही जवाब है बीटा। देखो ACCA ने पूछा था कि ऑपरेटिंग सेगमेंट हो सकता है जो रेवेन्यू नहीं कमाता हो,
आईकेप ने कहा अभी इसने रेवेन्यू कमाना शुरू नहीं किया, क्या ये रिपोर्टेबल हो सकता है? हाँ रिपोर्टेबल, क्योंकि रिपोर्टेबल में सिर्फ रेवेन्यू का क्राइटेरिया थोड़ी एसेट्स का भी है, हो सकता है एसेट की बेस पे रिपोर्टेबल हो जाए। तो ये देख रहे हो आईकेप की शरारतें, फाइव को भी मार के इसे इंपॉर्टेंट करो। नहीं समझ में आया भाई ये कह रहा है? फॉर एग्जाम्पल अभी एक सेगमेंट है, यूनिलीवर ने एक नई वो निकाली, हमने कहा ब्रांड निकाल दिया यूनिलीवर ने मेंस क्रीम का, सही है? अभी हमने कहा मेंस क्रीम का जो ब्रांड है उसने रेवेन्यू बनाना कमाना शुरू, लेकिन उसको यूनिलीवर ने एसेट्स दे दिए कि टोटल कंपनी के अगर 100 रुपए के एसेट हैं उसके ऊपर 15 रुपए के एसेट्स हैं। तो हमने कहा क्या वो रिपोर्टेबल सेगमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। विल भी हुआ? नहीं हो सकता है, विल भी मतलब लाजमी होगा, रिपोर्टेबल में का मतलब क्या है? ये आईकेप स्टडी टेक्स्ट के थ्रू तुम्हें बता रहा है, और ये सारे एमसीक्यू जिसने रिसेंटली ऐड किए हैं कि बेटा मैं अंग्रेजी में भी खेलूंगा। फिर कह रहा है हेड ऑफिस एक्सपेंसेस कैन बी एलोकेटेड ऑन टू सेगमेंट्स ऑन रीजन, मस्ट नॉट बी, मस्ट बी और मस्ट बी। सही जवाब है अल्फा। इसने कहा कि आप जरूरी नहीं है, आप चाहो तो एलोकेट कर दो, चाहो तो हम नहीं करते किसी पे भी, लेकिन अगर चाहे तो कंपनी कर भी सकती है। सवाल नहीं किया, लेकिन अगर वो पेपर में कहते हेड ऑफिस एक्सपेंसेस को डाल दो सेगमेंट में, मिड में भी आ सकता है। सही है। एमसीक्यू नंबर सेवन पढ़ के इसका आंसर जल्दी से बताओ क्या है। यस सर, इसका सही जवाब है शुरू की जो पांच बातें हैं वो क्राइटेरिया है, 1, 2, 5। अच्छा एमसीक्यू नंबर 8 पे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस आईएफआर फाइनेंशियल रिपोर्ट कंटेन्स बोथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ पेरेंट एज वेल एज सेपरेट सेक्रेटरीज रिक्वायर्ड। अल्फा एमसीक्यू नंबर 8 बहुत सिंपल है, पढ़ लो, ये हम कर चुके हैं वैसे भी पहले, ये पास पेपर का एमसीक्यू है। अल्फा एमसीक्यू नंबर 9 पे आ जाओ। एमसीक्यू नंबर 9 पे आओ। ऑपरेटिंग सेगमेंट ऑफ एन एंटिटी हैव रिपोर्टेड फॉलोइंग प्रॉफिट और लॉस फॉर द साल। प्रॉफिट लॉस ए बी डी। सही जवाब क्या है? डेल्टा। हायर क्या आ रहा है? प्रॉफिट 160 है ना जी। एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट और लॉस एसेट अ सेगमेंट शुड बी एटलीस्ट कितना होना चाहिए? फिर कह रहा है amount of revenue that should be covered by reportable segments is at least 25%. The total amount of revenue that should be covered by reportable segment is 75% of external revenue. Beta. फिर कह रहा है which of the following information geographical is required to be disclosed? Revenue from external clients attributed to the entity's country of domicile and attributed to all foreign countries in total from which the entity derives revenue, non-current assets located in the entity's country of domicile and located. Kya jawab hoga? Alpha, beta, Charlie ya delta? Kitne log keh rahe hain alpha? MCQ padho. जियोग्राफिकल लोकेशन वाला कह रहा है, कितने लोग कह रहे हैं अल्फा, कितने लोग कह रहे हैं चार्ली, दोनों बताना जरूरी है रेवेन्यू के बारे में भी और एसेट्स के बारे में। सही जवाब है चार्ली। 11 बेटा नहीं बताऊंगा, खुद कर। 75% रूल
चले सर आप आगे आ जाएं। 13 का था चार्ली, 14 पे आ जाओ। प्रॉफिट ऑपरेटिंग सेगमेंट ऑफ एन एंटिटी हैव रिपोर्टेड फॉलोइंग प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। रिपोर्टेबल सेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड 10% आर। सम ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है? 160 का 10% कितना आ गया? 16 के हिसाब से 15.5 हो गए। और 15 पे आ जाओ। फॉलोइंग रेवेन्यू, अब रेवेन्यू की बेस पे 2280 का ले लो 10%, 228। तो 228 की बेस पे कौन से बन रहे हैं? तो सही ऑप्शन क्या है? चार्ली बन रहा है। तो सर क्या हमने MCQs भी इजी है? यस सर। तो हमने कहा कि सर अब दो काम, हैंड आउट में जो रिमेनिंग सवाल है ये आपका होमवर्क है, हम इनको डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक स्टडी टेक के साथ खत्म हुआ, जुम्मे को इसका क्विज है और है वो होमवर्क भी नहीं क्विज, ये तो बेटा मैंने करवाया ना, एक और भी क्विज होगा। 13 का चार्ली है, दोनों है, 1 और 2 बोथ। तो सर स्टडी टेक्स सबके मोबाइलों में हो, हम स्टडी टेक्स को आपने देखा कितनी इंपॉर्टेंट है, और जब से ये अपडेट हुई है ना इसने ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें डाल दी हैं कि मुझे डर है कि बच्चा नहीं पढ़ के जाएगा तो 10-15 नंबर जाया। और खुदाड़ा हर टॉपिक की स्टडी टेक्स टीचर जितना भी कहे कि मेरी बुक काफ़ी है, यकीन मानो स्टडी टेक्स को स्किम करना तुम्हारी जिम्मेदारी, चाहे वो कॉस्टिंग का पेपर हो, चाहे वो लॉ हो, FAR 1 हो, कुछ भी हो। हम मिलेंगे इंशाल्लाह थर्सडे को, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।